राजधानी देहरादून में बढ़ते साइबर क्राइम की वारदातों को लेकर डीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था के प्रमुख अशोक कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। इस संबंध में डीजी अशोक कुमार ने बताया कि राज्य में पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं। साइबर क्राइम करने वाले अपराधी इस साल 100 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। फोन पर लॉटरी निकालने का लालच देकर अपराधी ठगी करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि किसी से भी अपने बैंक से संबंधित जानकारी शेयर ना करें, इसी के साथ जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। साइबर क्राइम के आंकड़े अगर मैं इकट्ठा किया था अभी 5 महीने का, तो हमारे प्रदेश में इस साल 124 हुए, अभी तक विगत वर्षों में 77 और 82 हुए थे 5 महीने, तो यानी साइबर क्राइम बढ़ा है। साइबर क्राइम को हम रजिस्टर भी कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर करेंगे तभी जा करके लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं ना OTP मांगे जा रहे हैं, वही बात है काइंड ऑफ कि मैसेज आया कि ग्रेट ब्रिटेन से आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, 1,00,000 पाउंड की। आपने लॉटरी खेली नहीं तो कहाँ से लग गई? तो जब OTP के लिए आपने कुछ किया ही नहीं तो OTP क्यों मांग रहे हैं आपसे? तो ये जो इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत अलर्ट होना है। कोई बैंक आपसे, बैंक आजकल तो SBI ने शुरू कर दिया, आपने देखा होगा कि हम किसी से, हमारे बैंक वाले किसी से कोई आधार कार्ड है, कोई पैन कार्ड और कोई डिटेल नहीं मांगते। तो हमें अनावश्यक रूप से ये किसी भी आदमी को नहीं देना है किसी भी रूप में। और एक आजकल मेल के माध्यम से भी, मेल भेज करके कोई लिंक भेज देते हैं, अगर आपने खोल दिया तो आपका सारा डाटा। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप, गूगल प्ले पर उपलब्ध।